गाइज आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का पहला मैच पंजाब किंग्स के अगेंस्ट है और पंजाब किंग्स का भी पहला मैच आरआर की टीम के अगेंस्ट है। दोनों ही टीमें काफ़ी बढ़िया बैलेंस लग रही है। आईपीएल 2021 में काफ़ी अच्छा स्क्वाड है दोनों ही टीमों के पास, काफ़ी रोमांचक ये मैच होने वाला है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आज आपको इस मैच में दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 होगी उसके बारे में बताऊंगा, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का फुल कंपैरिजन करके बताने वाला हूं और दोस्तों साथ ही साथ प्रेडिक्शन भी करूंगा। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी और गाइस जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस हम सबसे पहले दोनों ही टीमों के ओपनर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम पंजाब किंग्स के ओपनर्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हमें केएल राहुल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाला है। उनके जो साथीदार होने वाला है वहां पर नाम आता है मयंक अग्रवाल का। जी हाँ दोस्तों, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2021 में भी पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाला है। वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात की जाए तो बेन स्टोक्स हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाला है। वहीं पर दोस्तों इनके साथीदार में बदलाव हो सकता है और दोस्तों इनके जो साथीदार होंगे, इनके जो पार्टनर होंगे आईपीएल 2021 में, वो जॉस बटलर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉस बटलर और बेन स्टोक्स हमें ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर है राजस्थान रॉयल्स की टीम का अगर बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ओपनिंग करते हैं। और दोस्तों ओपनिंग का कंपैरिजन किया जाए, ओपनिंग पेयर का कंपैरिजन किया जाए, यहां पर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे ओपनर्स हैं। अब गाइस बात करते हैं मिडल ऑर्डर के बारे में, तो पंजाब किंग्स के लिए नंबर 3 पर आने वाले हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल हमें नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर फिट होंगे तो ये खेलेंगे, अदरवाइज इनकी जगह पर डेविड मलान खेलेंगे। अगर ये फिट नहीं होंगे तो डेविड मलान खेलेंगे, अदरवाइज तो क्रिस गेल ही खेलने वाला है नंबर 3 पर। नंबर 4 की बात की जाए तो वहां पर हमें निकोलस पूरन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर पंजाब किंग्स की टीम के लिए शाहरुख खान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो पंजाब किंग्स की टीम का मिडल ऑर्डर कुछ इस प्रकार होने वाला है। वहीं पर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के मिडल ऑर्डर के बारे में, तो नंबर 3 पर हमें संजू सैमसन खेलते हुए नजर आने वाला है। वहीं पर नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर हमें लियाम लिविंगस्टन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के पहले मैच में लियाम लिविंगस्टन खेलने वाले हैं। वहीं पर बात की जाए नंबर 5 की तो नंबर 5 पर हमें रियान पराग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों दोनों ही टीमों का मिडल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है लेकिन कहीं ना कहीं आरआर की टीम के पास थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि आरआर के जो ये लियाम लिविंगस्टन है वो काफी बढ़िया फॉर्म में है। रियान परा का भी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा गया है। वहीं पर संजू सैमसन भी अच्छे खिलाड़ी है। तो मिडल ऑर्डर में भी आरआर की टीम थोड़ा भारी पड़ रही है पंजाब किंग्स की टीम के ऊपर। अब गाइस हम बात करते हैं लोअर मिडल ऑर्डर के बारे में, तो लोअर मिडल ऑर्डर में पंजाब किंग्स की टीम के लिए नंबर 6 पर दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पर बात की जाए नंबर 7 की तो नंबर 7 पर हमें मॉइसेस हेनरिकेस खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो पंजाब किंग्स की टीम के लिए ये दो बड़े फिनिशर होने वाला है। वहीं पर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए नंबर 6 पर हमें शिवम दुबे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे हमें नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर बात की जाए नंबर 7 की तो नंबर 7 पर हमें वन एंड ओनली राहुल तेवतिया खेलते हुए नजर आने वाला है। तो दोनों ही टीमों के लोअर मिडल ऑर्डर में भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के नंबर 8वें प्लेयर की, तो वहां पर हमें जाय रिचर्डसन खेलते हुए नजर आने वाला है। नंबर 9 की बात की जाए तो पंजाब किंग्स की टीम के लिए नंबर 9 पर हमें मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बहुत टाइम के बाद मोहम्मद शमी फिर से कोई मैच खेलने वाले हैं। वहीं पर बात की जाए नंबर 10 की तो नंबर 10 पर पंजाब किंग्स की टीम के लिए रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आने वाला, जिनका पिछला सीजन काफी बढ़िया रहा था और दोस्तों काफी अच्छे तरीके से इन्होंने गेंदबाजी की थी। नंबर 11 की बात की जाए तो नंबर 11 पर हमें अर्शदीप खेलते हुए नजर आने वाला, जिनका भी पिछला सीजन बहुत ही बढ़िया रहा था, काफी अच्छी इन्होंने भी गेंदबाजी की थी। अब गाइस बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के बॉलर्स के बारे में, तो आरआर की टीम के लिए नंबर 8 पर हमें क्रिस मॉरिस खेलते हुए नजर आने वाले हैं। काफी ज्यादा रकम देकर आरआर की टीम ने इनको इस बार शामिल किया है। वहीं पर नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर हमें श्रेयस गोपाल खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो पिछले 3 सीजन से आरआर की टीम के साथ जुड़े हैं। नंबर 10 की बात की जाए तो नंबर 10 पर हमें कार्तिक त्यागी खेलते हुए नजर आने वाले, जिनका पिछला सीजन अच्छा रहा था। वहीं पर अगर बात की जाए नंबर 11 की तो नंबर 11 पर हमें चेतन सकारिया या फिर जयदेव उनादकट, इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ सकते हैं। जयदेव उनादकट के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं इस मैच में खेलने के। तो गाइस अगर बॉलर का हम कंपैरिजन करें, बॉलर्स का अगर कंपैरिजन करें दोनों ही टीमों में, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के बॉलर्स बेटर लग रहे हैं आरआर के बॉलर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आरआर की टीम के लिए जोफ्रा आर्चर भी ये शुरुआत के मैचेस मिस करने वाला है। इसी वजह से आरआर की टीम के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान भी मैचेस मिस करने वाले हैं, साथ ही साथ एंड्रयू टाई भी अवेलेबल नहीं रहने वाला है। और पंजाब किंग्स के बॉलर्स
राजस्थान रॉयल्स की टीम के बॉलर्स के कंपैरिजन में बेटर लग रहा है। बात करते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच जीतने वाली है। तो गाइस आपके मुताबिक कौन सी टीम ये मैच जीतेगी वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। वहीं पर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।